नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा। अब आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें। चुनाव 24 में राहुल गांधी ने अडानी पर फिर से लगाया आरोप, कहा कोयला कारोबार में अडानी ने बड़ा घोटाला किया। राहुल गांधी बोले अडानी ने 32,000 करोड़ का घोटाला किया, अडानी के कारण बिजली बिल बढ़ा। शरद पवार अडानी मुलाकात पर बोले राहुल गांधी, शरद पवार ना ही पीएम है और ना ही गौतम अडानी को बचा रहे हैं। निजामाबाद में बीआरएस नेता के कविता ने राहुल गांधी को बताया इलेक्शन गांधी, बोली सिर्फ चुनाव के समय ही आते हैं राहुल। के कविता के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार, प्रमोद तिवारी बोले भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण थक गई है कविता, उनकी याददाश्त प्रभावित। टिकट बंटवारे पर कमलनाथ, दिग्विजय में खींचतान, कपड़े फाड़ने वाले बयान पर बोले दिग्विजय, मैं शंकर की तरह विष पी रहा हूं। कमलनाथ ने कहा आगे भी पीते रहेंगे विष। कमलनाथ के कपड़ा फाड़ वाले बयान पर शिवराज सिंह चौहान ने कसा तंज, लिखा कांग्रेस में गालियां खाने की भी पावर ऑफ अटॉर्नी। शिवराज बोले खुद कमलनाथ ने ही किया है खुलासा, पहले भी सरकार चलाने की पावर ऑफ अटॉर्नी दिग्विजय सिंह को दी गई थी। कमलनाथ के कपड़ा फाड़ वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का पलटवार, कहा उनके हाथ में सत्ता आई तो जनता का क्या होगा। एमपी कांग्रेस चीफ कमलनाथ की एक्सपोस्ट, लिखा कांग्रेस के वचन एक कांग्रेसी के खुद से किए गए वादे। एमपी कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, कांग्रेस कोई वादा पूरा नहीं करती, सिर्फ भ्रम पैदा करती है। परिवारवाद को लेकर अमित शाह के बेटे और अनुराग ठाकुर को निशाना बनाए जाने पर बोले प्रहलाद सिंह पटेल, भ्रम फैलाने की आदी है कांग्रेस। दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में सीईसी की मीटिंग, पार्टी चीफ खड़गे के नेतृत्व में बैठक। आज की बैठक में राजस्थान और मध्य प्रदेश पर चर्चा, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव बोले आजकल में आएगी छत्तीसगढ़ की अगली लिस्ट। टीएस सिंहदेव ने बीजेपी पर किया कटाक्ष, कहा उनके पास करने के लिए कोई और काम नहीं, उनका ध्यान केवल राहुल गांधी का नाम लेने पर। राजस्थान के कोटा पहुंचे बीजेपी चीफ नड्डा, विधानसभा चुनाव पर पार्टी नेताओं के साथ बैठक। जयपुर के शिक्षा संकुल के पास नोट स्लिप का मिला अंबार, चुनाव में अवैध कैश के उपयोग की आशंका। जयपुर में मंत्री जाहिदा खान के घर के सामने मिली नोट स्लिप्स, इलेक्शन कमीशन की टीम मौके पर पहुंची, जांच शुरू। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जारी की एक और सूची, पंडरिया विधानसभा सीट से भावना बोहरा को दिया गया टिकट। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह की चुनाव आयोग से मांग, दूसरे चरण की वोटिंग डेट बदली जाए, छठ पर्व का हवाला दिया। भूपेश बघेल ने अमित शाह पर लोगों की भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया, शाह ने एक युवक की हत्या को कांग्रेस के तुष्टिकरण की राजनीति को बताया था जिम्मेदार। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलायंस पर बोले डिप्टी सीएम केपी मौर्या, इनके अलायंस से बीजेपी की सेहत पर कोई फर्क नहीं, जनता इनके कामों को समझती है। महाराष्ट्र में एनसीपी प्रमुख शरद पवार की मीटिंग, पार्टी नेताओं के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा। बीजेपी ने मिजोरम में विधानसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, 12 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, एक महिला को भी टिकट।